शरीफ खानदान की 11 कंपनियों से मुतालिक तहकीकात शुरू कर दी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ और उनके बेटों हसन नवाज और हुसैन नवाज कल नैब लाहौर के दफ्तर में पेश होने के लिए समन जारी। नैब रावलपिंडी की टीम अजीजिया स्टील मिल से मुतालिक बयानात कलमबंद करेगी। रेफरेंसेस की तैयारी के लिए दो मुश्तरका तहकीकाती टीमें तश्कील दे दी गई। सेंट्रल याकूब नासिर को मुस्लिम लीग नून का कायम मकाम सदर बनाने का फैसला आज सेंट्रल वर्किंग कमेटी इजलास में मंजूरी दी जाएगी। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत जाती उमरा में इजलास, सियासी सूरत हाल और मुकदमात पर गौर। साबिक वज़ीर आज़म का NA 120 में जलसा करने का फैसला। NA 120 का ज़िमनी इलेक्शन, क्या कुलसूम नवाज इलेक्शन में हिस्सा ले सकेंगी? फैसला आज होगा। इलेक्शन कमीशन ने 3 बजे तलब कर लिया। तहरीक इंसाफ की यासीन राशिद भी कागजात की जांच पड़ताल के लिए आज इलेक्शन कमीशन में पेश होंगी। ताहिरुल कादरी कहते हैं बाकी नजफी रिपोर्ट शाया की जाए, गैर जानबदार जजों का बेंच बनाकर फैसला किया जाए। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ मॉडल टाउन केस में जल्द लटकाए जाएंगे। नवाज शरीफ को इनकलाब की बात पर शर्म आनी चाहिए। ईद के बाद दीगर शहरों में भी एहतजाज होगा। मुझे क्यों निकाला? नवाज शरीफ के सवाल पर डॉक्टर ताहिरुल कादरी का शायराना अंदाज में जवाब। इदारों से तसादुम के बजाय अच्छे ताल्लुकात, नून लीग ने हिकमत अमली तब्दील कर ली। एस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए निसार और दीगर रहनुमाओं को किरदार अदा करना होगा। अदलिया के हवाले से भी रवैया नर्म रखा जाएगा। नवाज शरीफ ने एक बार फिर करीबी साथियों को तमाम अराकीन असेंबली को बुलवाकर ताकत का मुजाहरा करने का कह दिया। खसूसी रिपोर्ट रोजनामा नाइट न्यूज का हिस्सा। लाहौर में जनूबी छावनी के इलाके निशात कॉलोनी में बच्चा मेन हॉल में गिरकर जान बहक। 3 साल का आजान अपनी वालिदा के साथ जा रहा था। रेस्क्यू अहलकारों ने बच्चे को निकालकर अस्पताल मुंतकिल किया। हादसा मैन होल का ढक्कन ना होने के बायस पेश आया। लाहौर के करीब चुंग में डाकुओं ने चीचावती से आए मवेशियों के 12 व्यापारियों से 30 लाख रुपए और मोबाइल फोन लूट लिए। मुजाहमत पर फायरिंग से 2 व्यापारी जख्मी, जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची के इलाके गुलशन हदीस से लापता होने वाले बच्चे की लाश मिल गई। 8 साल का सुभान 14 अगस्त को लापता हुआ था। पोस्टमार्टम मुकम्मल, ज्यादती नहीं हुई। उधर पुलिस के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयां, 6 मुलजिम गिरफ्तार, असलहे और मुनशियात बरामद। अरशद और अहमद बट में फिर से लड़ाई, मियां बीवी में शदीद हाथापाई। पुलिस ने हुमैरा के शोहर, भाई और दीगर अफराद को हवालात की राह दिखला दी। अहमद घर खरीदने के मुतालबे के साथ बेटा भी छीनना चाहता है। मुझ पर हाथ उठाया, भाई के बेटों की पिटाई भी की, गुलुकारा की दुहाई। सऊदी अरब के शाह सलमान का कतर के आजमीन हज के लिए सरहद खोलने का हुक्म। सऊदी एयरलाइन को कतरी आजमीन को लाने के लिए तैयारी दोहा भेजने की हिदायत। रियल मैड्रिड ने स्पेनिश सुपर कप का टाइटल अपने नाम कर लिया। सुपर कप के दूसरे और आखिरी लीग में रियल मैड्रिड ने 2-0 से बार्सिलोना को शिकस्त दी। रियल मैड्रिड ने पहले मैच में 3-1 से कामयाबी अपने नाम की थी। वालिदैन बच्चों को खुश करने के लिए उनके साथ बच्चे बन जाते हैं। बरतानवी बाप लिफ्ट ब्लोअर की हवा के प्रेशर से बच्चे की साइकिल दौड़ाता रहा। और प्यार का बदला हमेशा प्यार से ही मिलता है, वो चाहे इंसान हो या फिर जानवर। 7 साल बाद मिलने पर पालतू शेरों का मालिकन के साथ मोहब्बत का खूबसूरत अंदाज, देखने वाले भी हैरान रह गए।